अगर आप 10 पुशअप लगा लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 पुशअप लगाते हैं तो 33 मार्क्स, अगर 8 पुशअप लगाते हैं तो 27 मार्क्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल YT अभिषेक टेक्टिकल। तो आज हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन कैसे पाएं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी GD का एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, हाइट एंड चेस्ट क्या क्या होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं आर्मी GD एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एज कितना होना चाहिए, तो एज आपका 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। और एजुकेशन की बात करें तो 10th, और हाइट है वो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग रहता है, और वेट भी हाइट के अनुसार होना चाहिए। चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास आउट होने चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और ईच सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, और टोटल जो है वो 45% से अबव होना चाहिए, मिनिमम 45%। और जो हाइट है यानी कैंडिडेट्स का जो हाइट है वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम चेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी जब आपको फुलाने को कहा जाए और फुलाएं तो उसका 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। हाइट, चेस्ट और वेट कितना होना चाहिए, तो अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम जो हाइट है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो मिनिमम वेट है वह 48 kg होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट यानी चेस्ट है वो फिक्स रहता है 77 सेंटीमीटर, या मिनिमम मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर। और अगर आप सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम हाइट, और मिनिमम वेट 48 kg, चेस्ट तो आपका निर्धारित है मिनिमम 77 सेंटीमीटर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, ये सब के लिए आपका 170 सेंटीमीटर चाहिए, और मिनिमम वेट है 50 kg, मिनिमम चेस्ट है 77 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश से या बिहार से, वेस्ट बंगाल, झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम जो हाइट है 169 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम जो वेट है वह 50 होना चाहिए, चेस्ट तो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से, तो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और वेट है 48 kg मिनिमम वेट, चेस्ट 77 सेंटीमीटर। आपको सोल्जर बनने के लिए जो कुछ जरूरी स्टेप है वो करने होते हैं, पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की प्रक्रिया की। तो एप्लीकेशन के लिए आप आर्मी भर्ती में जाने के लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना आवश्यक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप पहले www.indianarmy.nic.in पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात करते हैं अगर फिजिकल टेस्ट के लिए, तो फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर की रेस और पुशअप, जिक जैक बेलिसिंग और 9 फीट की जंप करनी होती है। रेस में कुल 60 मार्क्स का होता है, और पुल अप जो है वो 40 मार्क्स का होता है। इनमें हाइट, चेस्ट और वजन भी नापा जाता है। और अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें, तो मेडिकल टेस्ट में फिजिकल टेस्ट के अगले दिन या फिर उसी दिन भी हो सकता है। जो लोग पूरी तरह से फिट होते हैं सिर्फ वही लोग इस टेस्ट में पास होते हैं। इसमें शरीर की हर अंग की जांच की जाती है। और अब बात कर लेते हैं रिटर्न टेस्ट की। तो रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मेडिकल टेस्ट के दिन ही दिया जाता है। इसमें 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इसमें GK, GS, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अगर फिजिकल में रनिंग की बात किया जाए, तो 1600 मीटर आपको रेस लगाना पड़ता है, दौड़ लगाना पड़ता है आपको, यानी 1.6 किलोमीटर जो आपका सेट टाइम सोलह सौ रहेगा। मीटर का रेस टाइम एंड मार्क्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो आपका है 1600 मीटर होता है, यानी 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कवर करना होता है। अगर आप उसके अंदर आ गए या तो 5 मिनट 30 सेकंड तक आप अगर रेस को कवर कर लेते तो आपका मार्क्स उसमें 60 मिलता है, और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप रेस कवर करते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेगा, यानी 12 नंबर आपको काट लिया जाएगा, 12 नंबर। अगर आप
5 मिनट 45 सेकेंड से अधिक टाइम ले लेते हैं, यानी 1 भी सेकेंड ज़्यादा आपका हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस अब चलिए रनिंग के लिए। पुशअप देख लेते हैं। आपको जैसे आर्मी में 10 पुशअप लगाने होते हैं, अगर आप 10 पुशअप लगा लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 पुशअप लगाते हैं तो 33 मार्क्स, अगर 8 पुशअप लगाते हैं तो 27 मार्क्स, और अगर 7 पुशअप लगाते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा, और 6 पुशअप के लिए 16 मार्क्स। अगर आप लेस देन 6 पुशअप लगाते हैं, यानी 6 पुशअप आप उससे कम कर पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में। अब रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम है सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जाम होते हैं, उसमें आपका 4 ऑप्शन गिवन रहता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा, आप जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको एग्जाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 मार्क्स होता है नेगेटिव मार्किंग की, और ईच क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन है सो 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का होता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 32 है, यानी आपको कम से कम एटलीस्ट है सो 32 मार्क्स लाना ही है आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर होने के लिए। आपका 4 सेक्शन में आपको पूरा क्वेश्चन गिवन में रहेगा, यानी 4 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, जैसे कि आप देख सकते हैं जीके से पूछा जाएगा, जनरल साइंस से, मैथ से, लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाएगा। जीके में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा यानी 30 मार्क्स का, जीएस में भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, मैथ में भी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और लोकल रीजनिंग है वो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा 10 नंबर का। आप है सो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आप 70 से 80 का स्कोर देखें, क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम है उसका कट ऑफ है सो हाई रहता है, इसलिए आप थोड़ा मतलब अपना एग्जाम बेहतर देने का प्रयास करें।